दिखाइए मेरे सर की तरफ। किसी बात की कर रहे हैं आप? ऐसी बातें करता हूँ मैं। वैसे मैं देख सकता हूँ आप आजकल क्या मुताला कर रही हैं, जरा दिखाइए। अरे दिखाइए ना। चोरी पकड़ी गई? वो मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए ली थी। लाजमी सी बात है, किताब खाने के लिए तो होती नहीं, पढ़ने के लिए ली होगी। वैसे कैसी लगी किताब? अच्छी थी। अच्छी है ना, इसमें रोमांस भी बहुत अच्छा हुआ है। पता नहीं। एक सवाल पूछूं? क्या? कभी रोमांस किया? किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप? अरे भाई ऐसी ही बातें करता हूँ मैं, और आजकल तो हर लड़की को उसका जवाब पता होता है, इवन बच्चों तक को पता है इसका जवाब। इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है आइंदा उम्मीद की जा सकती है। देखिए अज्जू साहब, आप जो है ना, अज्जू, ये अचानक से क्या पुराने बदले लेने का ख्याल आ गया? अज्जू? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ वो। वैसे अज्जू और नज्जो कितने मिलते जुलते नाम है ना। पता नहीं, पता पता नहीं, नहीं पता, पता नहीं, नहीं पता। वैसे ये बाय द वे आपके ऊपर अचानक वो शहजादा आलम का असर तो नहीं होंगे जिनका तकिया कलाम है, वो क्या कहते हैं, दिल खोल के? नहीं नहीं, मेरा तो उनसे कोई वास्ता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, आप ही का उनसे ताल्लुक है, और अब तो ताल्लुक बना रहेगा। वैसे अज्जू अच्छा नाम है। मैं आपसे आपको अज्जू कहकर ही पुकारूंगी। अज्जू? आपके मुंह से अज्जू मुझे बहुत अच्छा लगता है। अज्जू तज्जो मिलते जुलते नाम है। नहीं, मैं एक्चुअली परसों से मेरे एग्जाम्स हैं और कुछ उसकी तैयारी, फिर कुछ टाइम दोस्तों के साथ कंसर्न करने में निकल जाता है। हाँ मैडम, ऑब्वियसली मैं फोन जरूर करता हूँ। आपकी तबीयत कैसी है जी? ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मतलब आप खुद सोचें, अभी तो मेरे एग्जाम्स भी शुरू नहीं हुए हैं और शादी, वो भी नजमा के साथ। कम ऑन अम्मी, देखिए मैं शादी, देखिए अगर मैं शादी करूंगा तो फिर मैं, जी हाँ आप भी जानती हैं उसे, फायदा नहीं, वो बहुत अच्छी है, आप एक दफा आके उसकी फैमिली से मिल तो लो। देखिए हमें यहां ठहरने का मतलब ये नहीं था कि मैं नजमा से शादी भी करूं, मैं आज ही ये जगह छोड़ दूंगा। मैं आप समझने की कोशिश, मैं आपको भी फोन करता हूं। सुनो नजमा जी, कुछ नहीं। भाभी बोलती रही है, हैं? क्या कह रही भाभी? भाभी तो इस रिश्ते से बहुत खुश थी, लेकिन मजबूरन उन्हें फायदे से बात पक्की करनी पड़ी। तो पता, मैंने तुमसे कहा था कि बाज़ वक्त के तकाज़ों को समझना जरा मुश्किल हो सकता है। वो इसलिए कहा था कि फैजा के लिए बात की थी भाभी ने मेरे साथ, ख्याल के रिश्ते की,
तो तुम वो नजमा के लिए यार को पसंद कर चुकी थी, तो मैंने सोचा कि ये ना ही हो तो अच्छा है। हालांकि वही तो हो गया। वो तो गया। बात ये है कि जब ये बात बढ़ाई है ना उन्होंने फायदा की यार के साथ, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं किस तरह के ना ही हो तो अच्छा है सारा काम, लेकिन तकदीर कौन है, वो कौन डाल सकता है। हाँ, मैंने तो तैयारियां भी शुरू करने का प्रोग्राम बना लिया था। और चलो जी, फायदा भी तो अपनी बेटी है ना, हैं? नजमा नाज भी फायदा थी, लेकिन बेगम एक बात होनी चाहिए, इस वाक्य की बुनियाद पर हमारे आपस के बीच में कोई पटा नहीं होना चाहिए, हमारे ताल्लुकात नहीं खराब होने चाहिए आपस में, क्या ख्याल है? काश इंसान अपनी मर्जी के ताबे होता तो जहन में भरने वाली हर सोच तकमील पा सकती है, कितना अच्छा होता। कदी रो